तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो आप सब बढ़िया होंगे। आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छी जगह भी मिल रही है। अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जीवन में सफल जाकर आपको पाएंगे तो बिना फिर चलते नहीं पा सकते। एक बार में याद होना बहुत असंभव टाइप का है। कितनी चीज याद नहीं याद करते, बहुत लंबा चौड़ा समझना चाहते हैं, इसलिए पुरानी चीजों को हमेशा रिवाइज करें। अगर आप पर्टिकुलरली परमानेंटली कुछ संघोष कर रहे हैं, आपको याद हो गए, अभी भी कह रहा हूँ नौकरी नोट्स बना के नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी याद, ठीक है। और इस क्लास से पहले मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर मेरी क्लास आपको वैल्यूबल लगती है, यूजफुल लगती है, तो प्लीज़ कुछ अच्छे से कॉमेंट कर देते, इससे क्या होगा कि कोई नया बच्चा अगर मेरी वीडियो पर आएगा, वो तुम्हारे कॉमेंट करेगा, उससे वो भी कहे चलेगा, वो कहेगा मुझे सबको मिलेगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा मिलेगा। ज्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम पढ़ रहे थे जिला सीरीज में, क्या हम पढ़ रहे थे जिला सीरीज में नैनीताल जिला और नैनीताल जिले की मैंने आपको दो तीन क्लासेस दे दी है। आज उम्मीद करते हैं नैनीताल जिले की आपकी क्लास होगी, तो आज नहीं है लिखिएगा कैची, आज की जो हेडिंग होगी उस हेडिंग का नाम होगा कैची। कैची धाम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रूबरू नहीं है। आप उत्तराखंड नहीं, देश पूरी दुनिया में कैची धाम को लोग जानते हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा कैची धाम पहले से प्रसिद्ध था, बड़े बड़े लोग पहले यहाँ प्यार रखे। पर लास्ट में देखा होगा कि लास्ट एक दो साल में इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हो तो हर एक इन्फ्लुएंसर, क्या बोलते हैं उनको, गुजराती है, हर एक कैची धाम जा चुके हैं। यहाँ तक कि उनमें से भी आधी से ज्यादा जनता अगर पहले नहीं गई थी तो इन एक आध सालों में चले गई, बहुत ज्यादा ही फेमस हो गई। बॉस ऑफ विराट कोहली आया था लास्ट टाइम, उनके सतर लग रहे थे, नीमरो निबाबा आए, अनुष्क शर्मा ने पोस्ट वगैरह डाली थी बाबा जी की, और उनका सेंचुरी भी लग गया, मान के योग्य बात है। बाकी जैसा भी होगा, मगर इस दो तीन सालों में आपने जरूर फील किया होगा कि एक डेढ़ साल में बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया कैची, जो कि पहले से था बट सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो कैची धाम को सभी जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैची धाम में आश्रम में इसे बोला जाता है नीम करौली बाबा का आश्रम। तो ये सबको पता भाई, नीम करौली बाबा का आश्रम, बाबा जी आप पे कृपा बना के रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो, तो बाबा जी आपको बुद्धि के साथ का पेपर निकले, आपको पता चले कि पेपर पढ़े गए। तो नीम करौली बाबा जी का आश्रम है। दूसरा पॉइंट क्या ही हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये आश्रम किस नदी के तट, पहले मेरे प्यारे दोस्त मेरा नाम तो सिपरा नदी के तट, ठीक है, सिपरा नदी के तट पर। आज तो मैं इमेज लेके नहीं आया हूँ, पीडीएफ या पीपीटी बना के समय नहीं मिला, बिजी था थोड़ा सा, तो पीपीटी नहीं बना। अदरवाइज नीम करौली बाबा जी की इमेज तो सबने देख लिया यार, ऐसा कोई नहीं होगा तुम्हें से जैसे नहीं गए। तो आज नोट्स पे बात करते, डायरेक्ट नोट्स, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होगा, बोलते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1964 में, इस आश्रम की स्थापना कर दी थी बाबा जी, और 1964 में स्थापना हुई थी, परंतु 1964 के बाद पहली बार 15 जून 1976 को यहाँ पे पहली बार भंडारे का आयोजन किया गया था, यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया था, और तब से लेके हर साल 15 जून को नीम करौली बाबा के मंदिर में एक बहुत बड़ा, एक विशाल प्रसिद्ध मेला लगता है। वहां पे रोड कंजक्शन वाली मोड़ है। मैं भी कहता इस बार 2023 के 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मैंने इस बार बाबा जी के आशीर्वाद से करी थी, ठीक है, बड़ी उम्मीद से हम वहां गए थे, देखते थे क्या होता क्या नहीं होता है। तो 15 जून 1976 को पहली बार वहां पर भंडारे का आयोजन किया गया था, और तब से लेके आज तक हर साल 15 जून को वहां पे एक मेला लगता है। और मैं कह रहा हूँ ना, इस साल का मेला की इमेज तुम्हें यूट्यूब गूगल में मिल जाएगी, इतनी भिड़ास नहीं थी। और सीरियसली बात ये लोग, ये आप लोग भी जानते हैं, इन 6 महीना 1 साल में बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग हुआ मंदिर है, ऐसा कोई इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर नहीं था जो वहां गया नहीं था, बहुत ज्यादा चर्चित, बहुत ज्यादा प्रचलित। तो हमारी पहली हेडिंग कैची था नीम करौली बाबा जी का आश्रम, शिप्रा नदी के तट पर 1964 में ये बना आश्रम की स्थापना की गई, ऐसा मिलता है विकिपीडिया में, गूगल में, और 15 जून 1976 को भंडारे का आयोजन किया गया था पहली बार, और तब से लेके हमेशा प्रश्न आएगा नीम करौली बाबा में मेला कब लगता है, तो 15 जून। अगला पॉइंट
नीलोली बाबा जी के बारे में आपको जो पूछा जा सकता है, तो कोई खास पॉइंट नहीं, बस इतना आपको याद रखना है कि जो नीलोली बाबा जी है, नील करोली बाबा जी, तो नील करोली बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे। आपको पता भी बजरंग बली की पूजा की जाती है हनुमान के भक्त, उनके वायरल कुछ भजन वगैरह यूट्यूब में बहुत वायरल होते हैं, बहुत सुना सुने मैंने नील करोली बाबा जी के, बहुत प्यारे हैं। तो इनका असली नाम क्या है? इनका असली नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। तो एक नॉर्मल इंसान थी जिनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा, और उनको पता है हमारी भूमि में कोई तपस्या करता है, तप करता है, पूजा पाठ करता है, वो भगवान भी बन जाता है। भारत की भूमि को ऐसे बोला जाता है भगवान बनाने वाली, ठीक है, ये धर्म रखी। तो इनका रियल नाम कुछ नहीं था, क्या लक्ष्मी नारायण शर्मा है, किसका? नीलकंठ बाबा जी का। वो एक नॉर्मल इंसान थे, पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पर उन्होंने कहीं ना कहीं भगवान का रूप धारण कर लिया जो भी उन्हें आता है। इनका रियल नाम पूछा जाएगा नीलकंठ बाबा का, तो वह है लक्ष्मी नारायण शर्मा। अभी इतना ट्रेंडिंग में था, तो आपके जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो भी यहाँ पे गए थे। और जब आप यहाँ जाओगे भीमताल के रास्ते जाते हैं, रास्ते में वो भी आता खुटानी, जब मैंने आपको समझने लगे कि बोला तो कभी आपको यहाँ जाने का मौका मिला तो आप सारी चीजें देखेंगे निकला। तो मैं कह रहा हूँ धामी जी ने यहाँ के नाम सुमित करी, और यहाँ पे तहसील है नैनीताल में, नैनीताल में एक तहसील का नाम है, जैसे हमारी तहसील का नाम है लहजाऊ, तुम्हारी भी कोई ना कोई तहसील होगी। इनकी एक तहसील थी नैनीताल में, जिस तहसील का नाम था कुसिया कटोली। इस तहसील का नाम क्या था? कुसिया कटोली। अब इसी तहसील के ना इस बार नाम ही चेंज कर दिया धामी जी ने, और इस तहसील को अब किस नाम से जाना जाएगा? कैची घाट नाम से जाना जाएगा। तो ये तो वहां के बच्चों के लिए तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, मगर आपके लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो गया कि उत्तराखंड की किस तहसील का नाम बदलकर कैची धाम कर दिया गया है। ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, तो उत्तराखंड की किस तहसील का नाम चेंज करके कैची धाम कर दिया गया, तहसील का नाम ही चेंज कर दिया। जैसे जहां मैं रहता हूँ कोटद्वार, तो कोटद्वार भी एक तहसील है, और कोटद्वार तहसील का नाम ही चेंज हो जाए, तो ऐसी कुछ सेकटोली एक जगह का नाम है जो कि नैनीताल में एक तहसील थी, और उस तहसील का नाम क्या पड़ गया? कैची धाम पड़ गया। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी हेडिंग आज की हम जो पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे रानी बाग। रानी बाग के बारे में पढ़ने में हमें भी तीन चार पॉइंट पढ़ गए। रानी बाग का ओल्ड नेम का सोधान पाठ है, सोधान पाठ है जिसे कहा जाता है, रानी बाग को कहा जाता है। एक और नाम देखने के लिए मिलता है चित्रशिला, ये भी रानी बाग को देखने के लिए मिलता है। एक और नाम देखने के लिए मिलता है, वो मिलता है भद्रवाह। तो रानी बाग के कुछ निक नेम या ओल्ड नेम अगर आप बोलोगे तो सोधान पाठ, चित्रशिला और भद्रवाह, ये रानी बाग के नाम है जो कि नैनीताल में चल रहे हैं। हल्द्वानी से नैनीताल अगर आप पहुंचोगे तो रास्ते में ये जगह है। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर है, काफी फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, माता शीतला देवी का मंदिर। तो माता शीतला देवी मंदिर, और माता शीतला देवी का मंदिर कहाँ पर है मेरे भाई? तो माता शीतला देवी का मंदिर आपका रानी बाग है, रानी बाग का है पुराना मंदिर, ठीक है। इसके अलावा रानी बाग को क्यों जाना जाता है? तो रानी बाग को मेले के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन तुम वैसे निकाल दोगे यार, रानी कौन सी रानी? जिया रानी। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपके पास, जिया रानी का मेला कहाँ लगता है? तो जिया रानी का मेला कुमाऊं की रानी जिया रानी, तो इनका मेला रानी बाग में। यूट्यूब कभी लगा देगा इंसान कि जिया रानी का मेला रानी बाग में, ओके। इसके अलावा यहाँ पे एक और मेला लगता है, वो आपको याद करना है, किसका चित्र? रानी का चित्र। आप ऐसे याद कर सकते हैं चित्रेश्वर मेला। इन द केस आपसे क्वेश्चन बनता है चित्रेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो चित्रेश्वर मेला भी आपका रानी बाग में। तो रानी बाग में चार पॉइंट है, इसके नीचे भद्रवट, चित्रशिला, सोधन पाठ। रानी बाग में फेमस फेमस मंदिर है शीतला देवी मंदिर, रानी बाग नैनीताल, जिया रानी का मेला रानी बाग नैनीताल, और चित्रेश्वर मेला रानी बाग नैनीताल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि नैनीताल का पूरा डाटा कवर अप करने, दो या तीन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ क्लासेस का सुनारी हो, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो कमेंट भी कर देना कुछ पॉजिटिव, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिलेगा और लोग भी देखेंगे जिससे कि क्योंकि मुझे अभी आपके सपोर्ट की बड़ी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पॉइंट अगर आपको रानी बाग के बारे में लिख रहे हैं आपको लिखना पड़ेगा HMD।
क्वेश्चन आएगा HMT का है, हिंदुस्तान मशीन टूल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो ये एक कंपनी थी और ये कंपनी अपने जमाने में, ये कंपनी अपने जमाने में घड़ी बनाती थी, ये कंपनी अपने जमाने में घड़ी बनाती थी। जैसे हाइप है ना आजकल, जिसके पास आईफोन होता है ना वो लगता है कि थोड़ा अमीर होगा, उसका एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप होता है एक रात के पास ही आईफोन होता है, ठीक है। तो आईफोन बहुत सारे लोग, जैसे आजकल मोबाइल में देख लेंगे आईफोन, उसका एक पावर है, मतलब एक अलग लेवल का ग्रुप है जिनके पास आईफोन है। हम एंड्रॉयड वाले हैं वो भी एक फोन में 3-4 साल 5 साल तक झेल लेते हैं, वो टूटता भी तो बना के वही चल जाए। ऐसी एक जमाना हुआ करता था जब HMT घड़ियों का एक शौक, एक नाम था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता HMT घड़ी को पहनना पसंद करते थे। और गूगल में भी चेक करोगे आप ना तो HMT कंपनी के पास ये रिकॉर्ड है एक दिन में 18 लाख घड़ियां बनाने का। तो अपने जमाने में बड़े पीक पॉइंट होती है, बहुत पीक, जैसे आजकल मोबाइल में आईफोन है ना, ऐसे कभी घड़ियों में HMT होती थी, ध्यान रखिएगा। और इस HMT कंपनी का भी कहाँ पे था, कहाँ पे थी कंपनी, रानी बाग। अभी तो आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाई, ये कंपनी बंद भी हो गई है। अब करंट अफेयर में भी ये मुद्दा चर्चा में चल रहा था कि जो HMT कंपनी का एरिया था, जगह था, उस कंपनी उस वाली जगह को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खरीद रहा है उत्तराखंड कि यहाँ हम अपने क्वार्टर बनाएंगे जब कंपनी बंद हो। तो करंट अफेयर का मुद्दा है, चर्चा वाला मुद्दा है, तो कभी पूछा जा सकता है HMT का है या रानी बाग के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। HMT क्या बनाता था, मंदिर का नाम होगा गोलू देवता का मंदिर, गोलू देवता मंदिर, गोलू देवता मंदिर के बारे में हम पढ़े। तो गोलू देवता मंदिर को क्या बोलते, सबको पता है न्याय का देवता बोलते, गोलू देवता मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, न्याय का देवता, न्याय करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है आज के कमेंट के लिए, तो आपने मुझे बताना है न्याय की देवी किसे कहा जाता है, कुमाऊं की न्याय की देवी किसे कहते हैं, तो आपने कौन सा किया होगा, तो न्याय का देवता गोलू देवता होता है। इसके अलावा इसके बारे में क्या आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्याय का देवता गोलू देवता का मंदिर कहाँ पे एग्जैक्ट में, बूढ़ा खाल में, बूढ़ा खाल में, ठीक है। उन लोगों को तो पता नहीं होगा, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो, मगर एक हमारे यहाँ बूढ़ी खाल भी है, पौड़ी में, ठीक है। हम पौड़ी के हैं तो हमें पता है, तो हमारे एक गांव का नाम भूलीखाल है, जैसे यहाँ का नाम घोड़ाखाल है, हमारे गांव में, हमारे यहाँ के गांव का नाम है भूलीखाल, ठीक है। तो घोड़ाखाल में ही न्याय का देवता है आपका गोलू। अब ये घोड़ाखाल इसके अलावा क्यों जाना जाता है, तो ये घोड़ाखाल इसके अलावा क्यों जाना जाता है, आजकल फॉर्म भी आ रहे थे बच्चों के लिए आपके फॉर्म, अब वो होता है सैनिक स्कूल। घोड़ाखाल में क्या है, एक सैनिक स्कूल, कक्षा 5 और कक्षा 9 के लिए आप एडमिशन होता है और देना पड़ता है इंटरस एग्जाम। तो ये सैनिक स्कूल बना, तो सैनिक स्कूल बना 21 मार्च 1966 और इसको बनाने का सहयोगा था जयमल सिंह। तो सैनिक स्कूल का उत्तराखंड में घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल कब बना था, 21 मार्च 1966 को बना था, और ये सैनिक स्कूल बनाए किसने है, जयमल सिंह ने बनाया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या है घोड़ाखाल में ये सैनिक। अभी जो गोलू देवता का मंदिर है अपने लेवल में बहुत फेमस है, और यहाँ पे एक बार नेपाल के पीएम आए थे, नेपाल के पीएम, और नेपाल के पीएम उनका नाम है मंत्री प्रसाद कोइराला, ठीक है, मंत्री प्रसाद कोइराला। इन्होंने 10 अक्टूबर 1955 को गोलू देवता के दर्शन किए और यहाँ पे बहुत विशाल घंटा चढ़ाया मंदिर पे, घंटा तो बहुत बड़ा वाला घंटा है वो इन्होंने चढ़ाया था। तो इससे कुछ क्वेश्चन बनेगा तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या समझ करके
आप ऐसे आपको नाम लिखना है विदान प्रसाद को। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने गुरु देवता मंदिर के दर्शन कब किए थे? तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने गुरु देवता का दर्शन कब 1925 में, और उन्होंने वहां पे मंदिर में विशाल घंटा कब चढ़ाया? 1955 में चढ़ाया जा सकते थे। प्रधानमंत्री का नाम था गिरिजा प्रसाद कोहली, ठीक है, ये पॉइंट तो ये लिंक आपके पास। गुरु देवता के बाद सारे पॉइंट पता थे, बट सैनिक स्कूल वाला पॉइंट थोड़ा याद रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, एक अनुभव आ सकता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। आज के लिए अगली हेडिंग हमें पढ़ लीजिए, और आज के लिए अगली हेडिंग हमारे पास रामनगर। आज के हमारे पास अगली हेडिंग है रामनगर। रामनगर क्यों चर्चाओं में है, क्यों रामनगर को हमको पढ़ना होगा? रामनगर कोसी नदी के तट पर होगा, रामनगर कोसी नदी तट पर होगा, तट पर स्थित। अगर मैं कोसी नदी की बात करूं तो कोसी नदी की लंबाई 168 किलोमीटर की। कोसी नदी निकलती कहां से? कोसी नदी में कहां से आएगी? कौसानी से आएगी, और कौसानी नदी कहां से आती है? एग्जैक्ट प्लेस का नाम है धार पानी धार। कोसी नदी कहां से निकलते मेरे प्यारे भाई? तो धार पानी धार से निकलती। अरे हम तो पढ़ रहे थे रामनगर, और रामनगर किस नदी के तट पे? कोसी नदी के तट पे। ये कोसी नदी आती कहां से भाई? तो कोसी नदी कौसानी से आती है, ये समझना है। और कौसानी नदी एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं है, तो धार पानी धार से लग पाती है, इसको आप ध्यान में लीजिए। जब हम कोसी नदी पढ़ी रहे, जब हम रामनगर पढ़ी रहे, तो रामनगर मार्केट से लगभग 14-15 किलोमीटर आगे जाएंगे डिकाला है, जिधर पार्क है, नेशनल पार्क का एक बार है, तो उधर ही कोसी नदी के बीचों बीच में कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर या रामनगर का एक प्रसिद्ध मंदिर गर्जिया माता का मंदिर। तो गर्जिया माता मंदिर नैनीताल तो करते हैं, मगर एग्जैक्ट बोलेगा तो गर्जिया माता मंदिर पहले है रामनगर में। अब किस नदी के बीचों बीच में फोटोज देखी गर्जिया माता की? बीचों बीच में नदी, कौन सी नदी के बीचों बीच में? कौसी नदी के बीचों बीच में। ये पंजाब ध्यान रख सकते क्या है और क्या नहीं है, कैसे कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे कैसे। इसके अलावा अगर आपको देखना है तो इसी रामनगर में इसी के अगल बगल एक जगह जिस जगह का नाम है सीतावली, सीतावली में सीता जी का कुटिया भी है, सीता माता की कुटिया है यहाँ पे। और एक किताब में मैंने ऐसे पढ़ा है कि सीता माता ने लव और कुश को यहीं पे जन्म दिया था, इधर ही जन्म दिया था, उनके पुत्र में लव कुश, तो उनके साथ जो रहते थे सीता माता जंगल में लव और कुश के साथ, तो इधर ही रहते थे, इसीलिए इसका घटना में सीतावली। और सीता माता की कुटिया बोलेगा तो आप लिख करोगे रामनगर के नियर बाय में सीतावली, तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। तब हमने राम महाभारत कभी देखते थे बचपन में, तो लव और कुश राम जी का अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा रोक देते, उनकी जब होती लड़ाई होती कभी, मैं बड़ा फैन थे उसके यार, हम बहुत देखते थे भगवान का जमन करते थे, एक ही तीर से बहुत सारे तीर हो यार, लड़ाई नहीं चलती। तो सीतावली याद करना, पेपर निकालना, नाम नहीं याद करना। हाँ ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ पे सीता कुंड भी, इसका सही आंसर याद नहीं करो सीतावली। और जब सीता जी थी लव और कुश थे, तो उनके साथ वाल्मीकि जी भी रहते थे, तो सीतावली में ही लिख देना वाल्मीकि आश्रम, सीतावली में लिख देना वाल्मीकि आश्रम का है, तो वाल्मीकि आश्रम भी सीतावली में ही है। अरे सीतावली का है रामनगर में, और ये रामनगर क्या निकाल ऐसी तो नोट्स बनेंगे, सीतावली भी पता चल गया, सीता को भी पता चल गया, वाल्मीकि आश्रम भी पता चल गया, सबको जोड़ दो रामनगर, राम जी वहीं पे, देखो सीता जा रहे हैं तो रामनगर भी वहीं रहेगा, राम जी वहीं रहेंगे, तो आप इसे भी याद करेंगे। लव कुश थे तो उनके साथ कौन थे? वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी भी एक और याद था, याद रख सकते हैं, हम कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ये बना था 2008 में, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? रामनगर में। हमारे जैसे अगर तुमने 10th 12th पढ़ा होगा उत्तराखंड बोर्ड से, हम हमारे यहाँ अफवाह है जिसमें कि हमारी कॉपी चेक होने के लिए जाते हैं रामनगर, उत्तराखंड बोर्ड वाले थे हम, वो ये रामनगर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का 2008 में बना था रामनगर। इसके अलावा
रामनगर के बारे में क्या जाना जाएगा? एक जगह जिसका नाम है ढिकुली, ठीक है? ढिकुली एक जगह है, कई बार ढिकाला भी दिखा रहता है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको बोला जाता है कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार। ढिकाला अगर बोलेंगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार। और एक और सॉरी ढिकाला एक और पॉइंट देखने के लिए मिलता है। पॉसिबल है कि दोनों प्लेसेस एक ही होगी, तो एक कुमाऊं वाला बच्चा रामनगर क्षेत्र वाला बच्चा होगा। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर, समटाइम में दोनों दोनों पर निकल के अलग अलग चीजें और ढिकाला एक भी हो सकता है। अगर श्योर है कि रामनगर में, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पेपर में तो यही आएगा। तो ढिकुली के लिए बोला जाता है कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती, कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती। तो ये भाई अच्छा प्रश्न है, कुमाऊं की सबसे प्राचीन बस्ती कौन सी है? फिर ढिकुली के लिए भी उसको बोला जाता है। और इसी ढिकुली में एक और पॉइंट आ जाता है दोस्त, कत्तियों की शीतकालीन राजधानी। हमने हिस्ट्री पढ़ाई आपको, वहां पे ये पॉइंट नहीं पढ़ा हमने, कभी डिस्कस नहीं किया है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा कत्तियों की शीतकालीन राजधानी कहां होगी, कत्तियों की शीतकालीन राजधानी, तो कत्तियों की शीतकालीन राजधानी भी आपका ढिकुली बात करते हैं। और एक शीतकालीन राजधानी मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया होगा आपको, राजभर उत्तर प्रदेश की शीतकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी पर नैनीताल राजभर 1962। तो कत्तियों की शीतकालीन राजधानी का हुआ करती थी ये ढिकुली में हुआ करती थी। और ये सारी चीजें दिखा रामनगर के आसपास कोसी नदी गर्जय माता सीतावरी ढिकुली उत्तराखंड विद्यालय परिषद कॉल आ रही रामनगर और रामनगर चुका है नहीं। अगला पॉइंट रामनगर के बारे में लिख लीजिएगा, बेसिक सा पॉइंट है, वन लाइनर पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है, जुड़वा घाटी। रामनगर में घाटी होगी कोई, एक घाटी को बोला जाता है जुड़वा घाटी, इसको आप याद कर सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आएगा आपके पास जुड़वा घाटी कहाँ है, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास जुड़वा घाटी कहाँ है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? रामनगर बोलोगे। अब आपने क्वेश्चन करना है, मेरे पास बताना है फूलों की घाटी का कमेंट करना, फूलों की घाटी की जुड़वा बहन की सेकेंड है वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। फूलों की घाटी की जुड़वा बहन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इस नंबर पर पूछ लिया कि जुड़वा घाटी को क्या है यहाँ है। अगर आपने बताना फूलों की घाटी की जुड़वा की सेफा जाते हैं तो आपने कमेंट करके बताया, ठीक है? तो ऐसी जुड़वा या क्विंस लेक, इसके लिए मुझे आती है क्विंस लेक, ठीक है, या भाई बहनों का काम, भाई बहन का ताले तो देखिए जो कि पेपर लिया था किसे कहते हैं, ये भी आप उनको कॉमेंट करते हैं, ठीक है? देखिए भाई आप पहले हलवा वाले क्वेश्चन जैसे कि आप एजीज वन करते हो बताते हैं, तो जिसको पता होगा ही बता देंगे। इसके अलावा रामनगर में लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट करके, जो हमारे पूर्व आठ से जुड़ा हुआ है कंडी मार्ग। कभी क्वेश्चन आएगा कंडी मार्ग, और इसी कंडी मार्ग को क्या बोला जाता है? हिमालयन माउंटेन मार्ग। ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा, क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, बड़ा चर्चाओं में है कि कंडी मार्ग हिमालय माउंटेन मार्ग को तुम कब निकलोगे जब उत्तराखंड में परिवहन बड़ा होगा, लेकिन दो सहयोग होता है, एक तो जहां मैं हूँ पूर्व बार और एक जहां रामनगर वाले होंगे ग्राम होंगे, रामनगर को जोड़ता है ये कंडी मार्ग को बड़ा चर्चा है। इससे ये होगा कि रामनगर या कुमाऊं से आने वाली गाड़ियों को उत्तर प्रदेश में नहीं जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमने जय बात के रास्ते आते ना, अगर मुझे भी नैनीताल जाना होता तो पहले मेरे को यूपी जाना पड़ता, तभी मैंने नैनीताल पहुंचता। बट अगर ये मार्ग खुल गया, अगर ये मार्ग प्रॉपरली बन गया, बीच में जंगल वाला एरिया नदियाँ वाला एरिया अगर पूरा प्रॉपरली बन गया, तो कंडी मार्ग कोडर और रामनगर को जोड़ेगा और यूपी जाने की झंझट दूर हो जाएगी, गढ़वाल कुमाऊं की दूरी कम हो जाएगी, यूपी को एक्सपेक्ट नहीं होगा। तो रामनगर के बारे में जो भी फैक्ट है मैंने आपको लिखा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ रामनगर के सारे फैक्ट आपने याद भी कर लिए, ऐसे मुझे लगता है कि आपको कर लिया। अगली हेडिंग आपको रामनगर जिले के दाजी बारे में है, उस हेडिंग का नाम है चाला झूला। अगली हेडिंग जो आपको रामनगर के बारे में है वो लिखा है काला डूंगी का पहला पॉइंट होगा काला डूंगी किस नदी के तट पे मेरे भुला, जैसे तुम मेरे से पढ़ पढ़ के क्या हो गए हो बोर, मेरे से पढ़ पढ़ के तुम हो गए बोर, तो काला डूंगी किस नदी के तट पे है, बोर नदी के तट पे।
ठीक है, गोरा नहीं है, काला मतलब काला ढूंगी किसे बोलते गढ़वाल में, मतलब ढूंगे बोलते पत्थर, तो काले पत्थर है यार इसलिए से काला ढूंगी पा रहा, ठीक है, तो काले पत्थर है सिंपल सी बात है, ठीक है, काले आदमी को देख के तो हर कोई बोर हो जाता है, तो काला ढूंगी किस नदी के तट पे, बोर नदी के तट, ठीक है। अब आगे बढ़ते इसके बाद, काला ढूंगी बोर नदी के तट पे है, कल हमने पढ़ा था काला ढूंगी में ही जिम कॉर्बेट का, काला ढूंगी में ही जिम कॉर्बेट का निवास स्थान था, और वर्तमान में सरकार को, सरकार ने वर्तमान में उसको म्यूजियम बना दिया है, तो जिम कॉर्बेट म्यूजियम, अगर आपसे प्रश्न आएगा कि जिम कॉर्बेट म्यूजियम कहाँ है सर, तो आप बोलोगे जिम कॉर्बेट म्यूजियम बना है, तो जिम कॉर्बेट और इसके नाम से कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा है, उसका घर था काला ढूंगी, जब उसका घर काला ढूंगी में था उसी के नाम से क्या पड़ा इसका नाम, उसी के घर को क्या बना दिया है, म्यूजियम बना दिया है, तो वहाँ पर प्रॉपरली भी कहता है लास्ट क्लास में बताया था, आप ब्लॉग भी देख सकते हैं, मैं ब्लॉग बनाया था उसका, तो वहाँ पर उसके घर में चित्र लगा रखे, इसकी फोटोज लगा रखी है, और जो इन्होंने बाग बाग मारे बागों की फोटो लगा रखी, बाकी कुछ भी नहीं वहाँ, तो ये आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं। हाँ, इसके अलावा आपको याद करना है, कल ढूंगी वाले बताना कोई होगा तो यहाँ पे फ्रिकी करके छोटा मोटा वाटर फॉल है, फ्रिकी जलप्रपात, तो फ्रिकी जलप्रपात अगर पूछेगा इसका सही आंसर भी आप काला ढूंगी का। इसके अलावा आपको काला ढूंगी में क्या पढ़ना है, हाँ नोट करके लिख दीजिएगा, नोट करके लिख दीजिएगा कि काला ढूंगी, काला ढूंगी प्लस रामगढ़, इससे पहले मैंने रामगढ़ भी पढ़ा था बट रामगढ़ भी एक पॉइंट नहीं, काला ढूंगी और रामगढ़ जो दोनों की दो जगह है ना, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट प्लस हेमेटाइट, मैग्नेसाइट प्लस हेमेटाइट, ये क्या है, टाइप्स ऑफ लोहा है, लोहे के प्रकार है, ऐसा लोहा यहाँ पे पाया जाए, लोहा पाया जाए, ध्यान रखिएगा अगर प्रश्न आएगा निम्न में से किस जगह पे लोहा पाया जाता है, तो देहरादून की दो जगह है काले ढूंगी और रामगढ़, तो काले ढूंगी और रामगढ़ में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। और लास्ट पॉइंट काले ढूंगी के बारे में तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका हूँ, काला ढूंगी को छोटी हल्द्वानी कहते हैं, काले ढूंगी को क्या कहा जाता है, छोटी हल्द्वानी कहा जाता है, इन द केस छोटी हल्द्वानी ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसे बोल सकते हो दूसरी हल्द्वानी, दूसरी हल्द्वानी इसे कहा जाता है दूसरी हल्द्वानी, या आप इसे बोल सकते हैं नई हल्द्वानी, ऐसा कोई भी पॉइंट अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो इन सब का आंसर होगा काले ढूंगी, काले ढूंगी में ही लोहा पाया जाता है, साथ साथ में काले ढूंगी का लोहा वहां पाया जाता है, रामगढ़ में जिम कॉर्बेट का म्यूजियम है, फिरकी वाटरफॉल है, और बोर नदी के तट पे काले आदमी सबसे आदमी को सामने बोर हो जाता है, आप ऐसे करके याद भी कर सकते हैं, बाकी जैसे भी आपको याद करना होगा आप याद करिएगा, मुद्दा ये है कि पेपर में पूछना चाहिए, ठीक है। तो ये था नैनीताल के बारे में जो भी हेडिंग समय का पता थी उन्होंने आपको लिया, आगे बढ़े मैं दोस्तों अगली हेडिंग डालेगा वन लाइनर क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें तुमने नैनीताल की पढ़ ली है मगर ऐसा तो नहीं इधर खत्म होंगे, कई पॉइंट ऐसे होंगे नैनीताल के तो वन लाइनर में ऐसे हेडिंग में डायरेक्ट डायरेक्ट उनको लिखना शुरू करेंगे, उसके बाद एक लास्ट क्लास आएगी उसमें नैनीताल की फेमस पर्सनालिटीज के, ठीक है, तो लिखेंगे नैनीताल के वन लाइनर क्वेश्चन, तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी, जहां पे उत्तराखंड के पीसीएस आप ऑफिसर ट्रेनिंग करेंगे, अगर आप आर ओ आर ओ का पेपर निकालो तो फिर ग्रुप सी की जॉब, पर पीसीएस ऑफिसर यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी, ये नैनीताल में, अगर बोले कहाँ है तो नैनीताल में, कल हमने देखा था आई एस भी ट्रेनिंग कहाँ पे करते थे, देहरादून में मसूरी में करते थे, अब पीसीएस वाली ट्रेनिंग कहाँ पे करते, इस अकेडमी में करते, तो ध्यान रखिएगा ये अकेडमी कब बनी थी, तो आपका आंसर होगा 1988 में बनी थी, परंतु इस अकेडमी का नाम 2016 में पड़ गया है आर एस टूलिया, किसके नाम से पड़ गया है, आर एस टूलिया प्रशासनिक अकेडमी, यार अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, और मैंने ही आपको पढ़ा रखा है, और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी का है, तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वरना जब मैं जाऊंगा वहां तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
जब हमारा पेपर क्रैक हो जाएगा तो हम लाल बहादुर शास्त्री ठीक है पर प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेदमी में ट्रेनिंग करने जाएंगे तो हम आप देख सकते हैं हमारा यूपीएससी वाले ट्रेनिंग करते हैं तो वो है मसूरी और यहाँ पर पीसीएस वाले ट्रेनिंग करते हैं तो उसके नाम के पीछे भी लाल बहादुर शास्त्री बाद में जोड़ा गया था 1972 में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो ऐसे ही इस अकेडमी के आगे आरएसटोरिया का जोड़ा गया 2016 में जोड़ा गया ये पंजाब अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी बनाकर नैनीताल में बना 1988 में बन गया था बट इसके नाम क्या आ गए आरएसटोरिया का जोड़ा गया तो जोड़ा गया था 2016 ओके कोई प्रॉब्लम तो नहीं उम्मीद है समझ में हाँ यार आरएसटोरिया के बारे में अगर एक्स्ट्रा फैक्ट में जो लिखा तो लिख रहे कुछ भी है पटवारी बुक का नाम ही पटवारी है ठीक है और आपको मैंने पता भी लगा कि पटवारी किस नियुक्ति के थे योग्य पटवारी किस नियुक्ति के थे की पटवारी किस नियुक्ति के क्या आपको याद है अगर याद होंगे तो सीधी बात है इसके अलावा इसकी एक बुक है धरार और एक बुक है इसका चाय ये इसकी बुक है पटवारी घरात और चाय किताबों के नाम है इसका आर एस टू इसके अलावा इसकी एक बुक और बुक है 15 एक याद मुझे अंग्रेजी में उनमें से कोई ऐसा नहीं जो अंग्रेजी का क्वेश्चन बढ़ा सकता बताओ फोर बार आना पड़ेगा 15 ईयर ऑफ डेवलपमेंट ये वाली बुक ब्रिटिश की है आर एस टू और एक और बुक है इसकी ये तो एग्जाम में भी आ चुके ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वा ये बुक ब्रिटिश की है आर एस टू की पटवारी आर एस टू की घराट आर एस टू चाय आर एस टू अब उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी आर एस टू लेकिन कब से 2016 से अदरवाइज बलि कब थी 1900 इतना बहुत है मेरे हिसाब से अगला पॉइंट वेल लर्नर क्वेश्चन भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन बना दिया देखो अगला क्वेश्चन है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट अगला वेल लर्नर क्वेश्चन है नैनीताल का अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ना अंग्रेजी सीखनी सीखनी देखो ये तुम्हें से एक बार चले कॉमेंट किया था कि मैं अंग्रेजी में नोट्स बना रहा हूँ अगर तुम्हें से कोई अंग्रेजी वाला है तो बताना अंग्रेजी में नोट्स कैसे बनेंगे तुम लोग तो पढ़ोगे कि अंग्रेजी में ठीक है इसके अलावा है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जैव प्रौद्योगिकी संस्थान को ऐसे भी बोला जाता है जैव बोले तो बायो टेक्नोलॉजी तो ये भी वन लाइन क्वेश्चन पे फैक्ट में लिख सकते हैं ये पड़ता है पटवा डांगर में अब पटवा डांगर का है आपका नहीं वन लाइन क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना हेडिंग तो सारा पढ़ा ही चुका हूँ तो नोट करके लिख सकते हैं डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन में आप लोग पटवा डांगर है बाकी कुछ भी नहीं ठीक है इसके अलावा आपको वन लाइन क्वेश्चन याद करना अगर क्वेश्चन आएगा हिमालय संग्रहालय का है अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास हिमालय संग्रहालय का है तो हिमालय संग्रहालय होगा आपका भाई नैनीताल पर आ रहा हूँ तो नैनीताल में तो होगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए और होमवर्क के लिए हो गया अगर आएगा तो ठीक है नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बता दो मैं आंसर बता दूंगा अगर क्वेश्चन आएगा हिमालयन संग्रहालय तो हिमालयन संग्रहालय का होगा भैया हिमालय संग्रहालय नैनीताल बट हिमालयन संग्रहालय वेर इज हिमालयन म्यूजियम हिमालयन संग्रहालय का आपने कॉमेंट करके बता दें केस आपको मिल जाएगा और मुझे कॉमेंट करके बता दें कि आंसर बताओ मैं आंसर बता दूँ कई बातों में बता दूँगा अगला नैनीताल पर्वता रोहण नैनीताल पर्वतारोहण गलत ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आगे कहाँ है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आ सकता कब बना तो 30 सितंबर को बना 1900 ठीक है और इसको बनाने का सही जाता है चंद्रलाल सिंह
साथ है आपको माउंट के लिए अगर ऐसे गाई जाएगी तो नए लाल पर्वता का मतलब इसको भी आप याद कर सकते हैं। वन लाइनर रिक्वेशन के कहते हैं सारे वन लाइनर रिक्वेशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नैनीताल में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी झीलें हैं, जब मैं झीलों वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा भाई तभी आपको नैनीताल की झीलें पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं नैनीताल की झील पढ़ानी हो ठीक है। एक ताल है नल दमयंती ताल, राजा नल और उनकी रानी दमयंती के नाम से इसका नाम नल दमयंती पड़ा है। तो नल दमयंती ताल अगर क्वेश्चन आएगा तो नल दमयंती ताल भी नैनीताल में होगा। इसका पहला ऑब्जेक्ट है कि पांच कोनों का ये ताल है, पांच कोनों का ताल है और नल दमयंती ताल ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इस ताल से मछली नहीं पकड़ी जाती, इस ताल दिन में से कौन सा ताल ऐसा है जिससे मछलियां को नहीं पकड़ा जाता, तो मछली पकड़ने यहाँ पर बैन है, मछलियां नहीं पकड़ी जाती तो नल दमयंती ताल है। इसके अलावा नल दमयंती ताल के लिए क्या बोला जाता है कि नल दमयंती ताल का जो आकार है ना वो अश्वकूट के समान है, अश्व बोलेगा घोड़ा और फूल बोलेगा पांव, तो घोड़े के पांव के जैसे आकार किस पार्क है नल दमयंती ताल नगे बोलगा। अगर सिर्फ क्वेश्चन आएगा फूल पाताल तो फूल पाताल पशुओं के पेड़ के जैसे पशुओं के खुल के समान है, अब कौन सा पशु ये नहीं बताया गया। बट अगर इसके से मैं बात करूं नल नल दमयंती ताल की तो नल दमयंती ताल तो खुल है मगर कौन सा खुल है अस्त खुल है ये तो जानवर का खुर बोलेगा तो खुर पता और पर्टिकुलर अश्व खुर बोलेगा तो नल दमयंती ताल, दोनों में अलग अलग बात क्या करें बोल लेना कुछ नहीं ऐसी बात करना पड़ेगा ठीक है। और खुर पाताल में एक फैक्ट लिखेगा इंपॉर्टेंट करेंगे, जब हम उत्तराखंड में केमिकल वगैरह पढ़ेंगे या उत्तराखंड में खनन पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे यहाँ से पाया जाता है जिप्सम, तो उत्तराखंड के किस झील में जिप्सम पाया जाता है, तो उत्तराखंड के खुर पाताल में जिप्सम पाया जाता है और उत्तराखंड में लोहा पाया जाता है। इससे थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने रामगढ़ और उस जगह का नाम क्या था कालगढ़, जिप्सम कहाँ से मिल रहा है खुर पताल, खुर पताल कैसा है जानवर होते खुर के समान, अरस खुर के समान कौन सा है नल दमयंती ताल, बाकी नल दमयंती बाकी भी कहीं नहीं आता लिखिए। मैं तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चन भी ना एक्सप्लेनेशन में बता रहा हूँ, ये सारा का सारा नोट करो और मेक श्योर कि आपको गढ़वाल याद हो गया है तीन पॉइंट को याद करें तभी बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पे क्या याद करना, एक जगह है लाल कुआं और लाल कुआं में उत्तराखंडी भारत ने पूरे एशिया की सबसे बड़ी पेपर सेंचुरी भी, सबसे बड़ी पेपर सेंचुरी में पूरे एशिया की सबसे बड़ी पेपर सेंचुरी भी यहीं पे है और ये पेपर सेंचुरी में बनी कब थी 1984 में बनी थी और ये लाल को अभी क्या है नैनीताल में नैनीताल के मन में प्रश्न कर रहे हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन एक और याद आ गया है जाते जाते, कभी क्वेश्चन आएगा हिडिंबा पर्वत, तो हिडिंबा पर्वत कहाँ है, तो हिडिंबा पर्वत कहाँ से क्या करोगे ओके डन। तो नैनीताल की हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडिंग क्लियर करी है, उस बार में नैनीताल के तुम्हें वन लाइनर क्वेश्चन भी पढ़ा दिए हैं, तो नैनीताल के बारे में एज ए डिस्ट्रिक्ट मुझे जितना नॉलेज होना चाहिए था जितना देना चाहिए था वो ऐसा नहीं कि नैनीताल के बारे में पूरी डिटेल हो, अगर मैं सब कुछ सारी झीलें अभी पढ़ाने लग जाऊँ तो फिर जब मैं झीलों का टॉपिक पढ़ाऊँ फिर क्या पढ़ूँगा, सारे हिस्से पढ़ लेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब क्या पढ़ेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जितना जितना नॉलेज होना चाहिए उससे भरपूर नॉलेज आपको दे रहा हूँ, उससे भरपूर नोट्स आपको दे रहा हूँ, और अगर आपको ये नोट्स एक क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज पीछे कॉमेंट करें आप कहाँ से ये बन रहे ठीक है, और मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनके कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगर क्लास अच्छी लगी तो आपको धन्यवाद, नहीं लगी तो भी क्या कर सकते कमी बताना मैं उसको सुधारने की कोशिश।